बसमलिम्सम मैं नासिर जमाल खेबट है मैं मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ नाजर सियासत जो है वो आ, हर दौर में एक नया रुख़ इख्तियार कर रहा है और आ, हर अब तो दौर की बात भी नहीं रही अब तो हर हफ्ते जो है अपना रुख बदल रहा है ऐसे हालात में आपने ये नोट किया होगा कि लोगों का अतमाद एतबार जो है वो सियासतदानों से थोड़ा सा वो मरूब नहीं रहा बहुत ज़्यादा लोग मायूसी की तरफ जा रहे हैं इसी मायूसी में हमें एक नई पार्टी देखने में आती है तहरीक दस्तक पाकिस्तान इसके चेयरमैन के साथ मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ पीरजादा अजमतुल्लाह खान साहब और जानते हैं कि ये नई पार्टी का वजूद किस लिए इन्होंने ज़रूरत समझी और इसके और मकासद क्या हैं आइए मुलाकात करते हैं असल वालेकाम सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती टाइम और ये अपना प्लेटफॉर्म मुहैया किया ताकि मैं पाकिस्तान के आवाम या कौम के साथ अपना मैसेज आगे तक पहुंचा सकूं और उनको बता सकूं कि क्यों तेरी के दस्तक पाकिस्तान की बुनियाद रखनी पड़ी बहुत बहुत शुक्रिया आपका पीरजादा साहब मुझे ये बताइएगा कि इसकी ज़रूरत आपने महसूस क्योंकि क्या देख <coughs> क्योंकि सबसे पहले मैं ये थोड़ा तो सा बैकग्राउंड बता दूँ क्योंकि जब इसकी ज़रूरत ऐसे महसूस हुई कि मौजूदा सियासी हालात को देख के या इससे पहले जो सियासी हालात थे तो इमरान खान उस टाइम नए नए आए आए हुए थे और वो एक बदलाव की बात कर रहे थे लेकिन बदलाव आ नहीं रहा था और उस टाइम पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून की वही एक दूसरे को गेंद पास कर रहे थे कभी पाँच साल वो कभी पाँच साल वो तो इस इसको बुनियाद को नज़र रखते हुए कि अगर एक आम आदमी को बुनियादी हकूक़ चाहिए तो वो कौन देगा क्योंकि ये बड़ी पार्टियाँ जो हैं ये अपने मफादात की खातिर आ, आवाम के वोट तो ले लेती हैं लेकिन उसको जब फैसले करने का वक्त आता है तो उनसे न कोई कंसल्टेशन होती है कि यार हम ये बड़ा फ़ैसला कर रहे हैं या इसके साथ कर रहे हैं या इसके साथ इसको वोट देंगे क्या आपको इस पर राज़ी हैं या नहीं तो उसको बुनियाद बनाते हुए कि आम आदमी का या आम आवाम का जो बुनियादी हकूक़ है उससे उनको दूर रखा जाता है और वो नहीं मुहैया की जाती तो इसलिए हमने क्यों? अपनी क्यों ताकि अपनी मदद आपके तहत एक ये पार्टी बनाने की शुरू की ताकि आम आवाम की आदमी आम आवाम की बात की जा सके और उनकी भलाई या उनको बुनियादी हकूक मुहैया की जा सके जो इस टाइम पाकिस्तान में गरीब आवाम को मैसर नहीं है ठीक जी आ, उस वजह से आपने इस पार्टी का आ, मतलब इंतखब किया और आप समझते हैं कि ये पार्टी जो है ये आगे बढ़ के आवाम का साथ देगी मुझे ये बताइएगा कि अजमतुल्ला खान साहब के आपने ये के पी के लेवल तक रखा है या आपने इलाके से आपने इब्तदा किए क्या अभी इस वक्त सिचुएशन क्या है फ़िलहाल तो हमने अभी तो तेरी के दस तक तहरीक दस्तक पाकिस्तान एक पाकिस्तान की सतह पर होगी पार्टी लेकिन क्योंकि इनिशियल है तो हर चीज़ स्टार्ट में ऐसे डायरेक्ट बन नहीं जाती उसका स्ट्रगल की ज़रूरत होती है और स्टार्ट में हमने अपने इलाके से शुरू किया हुआ है के पी के नौशेरा से आ, फिर उसको बढ़ाते हुए हम के पी के में और फिर इन पूरे पाकिस्तान तक पैरएँगे हमारे अभी भी नुमाइंदे हैं लेकिन वो चीदा चीदा से हैं क्योंकि स्टार्ट है न्यू पार्टी है तो इन जैसे ही जैसे लोग हमें ज्वाइन करते जाएंगे हमारी पार्टी आ, बढ़ती जाएगी आ, तो उसके लिए अभी तो मुल्की सतह है बुनियाद मुल्की सतह पर लेकिन अभी स्टार्ट हमने अपने इलाके से किया है ठीक जी अजमतुल्ल्ला खान साहब जी बताइएगा कि ये लोग आपकी पार्टी को क्यों ज्वाइन करें क्योंकि उनके पास ऑप्शन इससे बेहतर हैं जो पुरानी पार्टियां हैं बेहतर तो मैं कह सकता हूं या नहीं लेकिन इससे बड़ी पार्टियां हैं उनके पास पी टी आई है पी एम एल एन है ए एन पी है आप यहाँ पर देख लें जे यू आई है काफ़ी ऑप्शन उनके पास मौजूद आपकी पार्टी क्यों आ, हम अपनी पार्टी इसलिए मैं आ, वो कर रहा हूँ कि हमारी पार्टी ज्वाइन की जाए क्योंकि मैं उन से इन सब से जिनको आज़मा चुके हैं अभी तो पहले हम ये कह रहे थे कि पीटीआई को नहीं आज़माया तो लेकिन उनको भी आज़मा लिया आ, कोई तरक्की नहीं है कोई भी वो नहीं है तो इसलिए हम उनसे एक समझते हैं कि इन सब पार्टियों से हम एक डिफरेंट पार्टी होंगे जो कि सिर्फ गरीब और के बुनियादी हकूक़ जो पाकिस्तान में सर्व किए गए हैं जो नहीं मिल रहे उस पर फोकस करेंगे तो इसलिए हम उनसे डिफरेंट हैं कि हम उनके क्योंकि हमारा बुनियादी मकसद जो नारा है या विजन है वो ये है कि तीन नुकात पर है तालीम सेहत और इंसाफ बाकी पार्टी ने किसी ने रोटी कपड़ा मकान और किसी ने क्या क्या वगैरह रखा हुआ है जो देते तो नहीं है लेकिन रखा हुआ है लेकिन हमारा मेन मकसद यही होगा कि ये तीन चीज़ें इन गरीब आवाम को ज़रूर मिल जाएँ इन पाकिस्तानी अवाम को मिल जाए फिर भी अगर ये तीन चीज़ें भी मिल गई तो पाकिस्तान एशिया का क्या कह सकते हैं टाइगर बन सकता है या वर्ल्ड में अपनी एक पहचान बना सकता है ठीक जी क्या समझते हैं इस वक्त जो सियासत चल रही है पाकिस्तान को किस तरफ लेके जाइए इस इस टाइम तो म, सियासत चल नहीं रही बस सियासत आ, में गेम शो चल रहा है फिलहाल एक महीने दो महीने का इंतज़ार है किसी के आने जाने का इंतज़ार कर रहे हैं ये बड़े लोग तो क्योंकि बकौल इन सब के मुझे तो नहीं पता बकौल इन सब के कि ये ऊपर से ही कोई चला रहा होता है उस दिन चेयरमैन साहब चेयर पी टी आई के उन्होंने भी कहा कि हुकूमत तो मेरी थी लेकिन चला कौन ऑन रहा था तो पता नहीं ये खलाई मखलूक है जो भी है कौन कोई चला रहा था तो अभी पता नहीं किसका इंतज़ार हो रहा है लेकिन मुझे मुझे ये यकीन है कि आप सबको पता है कि कौन चला रहा था तो बस वही उनका इंतज़ार हो रहा है तो गेम नहीं सियासत नहीं हो रही एक गेम शो है या एक वो क्या के कह रहे हैं लूडो का गेम है चोर सिपाही का खेल चल रहा है बस वो हो रहा है जी ठीक जी आपकी पार्टी का जो मंशूर है थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कीजिएगा और दूसरी बात ये है कि प्लेटफॉर्म आपके सामने है आवाम आपके सामने है जॉइन करने के लिए जो आप तरीके का है थोड़ा सा वो भी बता दीजिएगा तो, जी आ, हमारी पार्टी का नाम तेरी के दस्तक पाकिस्तान है और आ, हमने एक मेंबरशिप फॉर्म रखी हुई है तरीके दस्तक टी टी डॉट टी दस्तक डॉट ओ आर जी के नाम से हमारी वेबसाइट है उस पर मम्बरशिप फॉर्म है आ, आप सब जो हमें जॉइन करना चाहते हैं आ, वो हमारी वेबसाइट पे जाएं और उन उस पर फॉर्म फिल करें इन हम आपसे रब्ता करेंगे उसमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें और आपको मेंबरशिप की सहूलत मुहैया करेंगे और आप हमारे वेबसाइट पे हमारा पूरा विजन भी है मंशूर भी सारा रखा हुआ है लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीदा चीधा अल्फाज में दोहरा देता हूँ कि हम बुनियादी ज़रूरिया के लिए जो आ, पाकिस्तान में नापेद हैं गरीब इंसान सिर्फ गरीब को नहीं अमीर को भी लेकिन अमीर तो चलो ले लेता है किसी न किसी तरीके से लेकिन गरीब के लिए नहीं मैसर जैसे इंसाफ वो कचहरीों में रुलता है बैंकों में पेंशन के लिए कोई बिजली के लिए कोई आ, ये पानी के लिए साफ़ पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है बीमारियों हॉस्पिटल्स में वो रुल रहा होता है छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो कि इन आ, इनका बुनियादी हक है कि ताकि इनको मिल सके डो स्टेप्स पे नहीं दे सकते तो एटलीस्ट जहाँ पे मुहैया कर रहे हैं वहाँ पे तो सही तरीके से मिले लेकिन नहीं वहाँ पे भी नहीं हो रहा क्योंकि वहाँ पे भी अक्रबा परोरी की आ, वो चल रही होती है जिसका ताल्लुक ज़्यादा होता है उसको मिल जाती है जिसका ताल्लुक कम है उसको लाइन में कड़ा कर देते हैं और कड़ा रहता है कोई पूछने वाला नहीं तो बेसिकली तेरिक दस्तक पाकिस्तान पाकिस्तानी को एक वो प्लेटफॉर्म मुहैया करे करना की कोशिश कर रही है ताकि गरीब आवाम जो अपने इलाके की नुमाइंदगी करना चाहता है लेकिन क्योंकि इन बड़ी बड़ी पार्टियों में अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप कुछ भी नहीं है आप वर्कर भी नहीं हैं वो आपको यूज़ तो कर लेंगे नारों के लिए ये ज़िंदाबाद वो जिंदाबाद सब कुछ ज़िंदाबाद लेकिन जब आपको असल नुमाइंदगी का टाइम आएगा वो बलियाती इलेक्शन क्यों ना हो तो आपको टिकट नहीं देंगे क्योंकि टिकट भी ख़रीदना पड़ता है तो इसके लिए ये एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहे हैं बना रहे हैं कि उन गरीब लोगों को उन नुमाइंदों को उन पाकिस्तानियों को जो कि मुल्क व कौम की खिदमत के लिए आगे आना चाहते हैं लेकिन ये दूसरी पार्टियाँ उनको आगे आने का मौका नहीं देती तो तेरी के दस्तक पाकिस्तान वो एक वो एक नया नोक है वो एक आवाम के दिलों में एक दस्तक है ताकि आए और हमें ज्वाइन करें ताकि इस मुल्क को कौम के लिए कुछ ना कुछ तो कर सके बांग्लादेश भी हमसे आगे चला गया है जी ठीक जी और आप समझते हैं कि आपकी इस काविशी की वजह से जो अगर पार्टी अगर इकतदार में कहीं आती है तो आप आवाम का साथ देंगे इन हमारा यही वो है कि एक तो ये मुरूसी सियासत का खात्मा किया जाए क्योंकि किसी नाम नहीं लेना चाहता लेकिन किसी के साथ घर से मेंबर हैं एम एन ए हैं किसी के आठ हैं किसी के छः हैं तो बाकी पूरा डिस्ट्रिक्ट ऐसा ही रहे कोई मसला नहीं लेकिन उनको क्योंकि आ, उनको अपने घर से ही सारे नुमाइंदे चाहिए ताकि इख्तियार उनके पास रहे तो इख्तियार का मकसद तो ये पार्टियों का तो यही होना चाहिए कि पहले खुद एहतसाब ही हो कि हम क्या कर रहे हैं लेकिन वो नहीं है अनफॉर्चुनेटली तो इन हम वो चीज़ बनाएंगे वो पा के दस्तक पाकिस्तान वो प्लेटफॉर्म होगा जो आवाम का साथ देगी उनकी नुमाइंदे चुनेंगी और उन्हीं को एहतसब के लिए रखेगी यानी कि हमें भी दूर जाके इस्लामाबाद वगैरह में नारे लगाना पड़े और यहाँ पे बैठे आवाम हमारा मुँह देखते रहे ठीक जी बहुत बहुत शुक्रिया पिरजादा अजमतुल्ला खान साहब आपका थैंक यू आपका शुक्रिया सर जी नसर भाई आपने इतना टाइम दिया हमें और इतना मौका दिया कि अपना मैसेज हम पाकिस्तानी आवाम के सामने रख सके उसके लिए हम आपके बहुत मशहूर हैं थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन ये थे हमारे तहरीक तहरीकी दस्तक पाकिस्तान के चेयरमैन पीरज़ादा अजमतुल्ला खान साहब पार्टी को ज्वाइन करने के लिए वेबसाइट जो है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मंशूर आप देख लें इनकी वो चेक कर लें अगर आपको मुनासिब लगे ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो फॉर्म फिल करके यहाँ पे आ, आप उसको सबमिट कर सकते हैं इजाज़त दीजिएगा थैंक यू सो मच अल्लाह हाफ़